हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो YouTube भूषण रेड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लेके आया हूँ वापस एक बार बास स्पेस प्लस। इसके मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे मुझे क्वेश्चन करके पूछा कि ये बास स्पेस प्लस का रिव्यू बताइए, हमें देखना है इसका बैटरी बैकअप हमें कितना देखने मिल जाता है, हम इसे कई अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको जिम करना है, आपको वॉकिंग करना है, आपको भागना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यार, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिएगा। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बास फेस प्लस यहाँ पे है, मैं ऑलरेडी इसे यूज कर रहा हूँ। एंड जैसा कि आप देख सकते हो इस प्लस पर, तो आपको बता दूँ ये देखो इतना बड़ा आ जाता है पूरी तरीके से, काफी ज्यादा बड़ा है अभी। लेकिन इसकी खास बात देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे तीन बटन देखने मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस और कुछ इस तरह से बटन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी गाइस। प्लस माइनस एंड सेंटर का बटन जो है वहां से ये ऑन हो जाता है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज देखने मिलेगी, ये है पीट्रॉन लिखा हुआ। तो यहाँ पे पीट्रॉन, यहाँ पे इसकी बेसिकली बैटरी होती है, एंड यहाँ पे आपको सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं, प्लस माइनस एंड वो सभी वाले कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। एंड तो अभी बात करते हैं अपनी, तो ये मेरे लिए किस तरह से रहा, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा था, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली देखो यार, एक्सरसाइज करते वक्त अगर आप इसे पहनना चाहते हो तो हाँ जी, आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार आपको इसे पहन के दिखाता हूँ। देखो, इसके ऊपर ना आर और एल भी लिखा होगा, मतलब आर मैंने के राइट में पहनना, एल एन लेफ्ट में पहनना, ठीक है। तो मैंने इसे थोड़ा उल्टा पकड़ लिया था, तो ये आ चुका है राइट वाला एंड ये आ चुका है लेफ्ट वाला। अभी आप देखो ये किस तरह से लगता है, मतलब आपको भी एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से फिट होगा ये। तो देखो, ठीक है ना, दिखाई दिया, मतलब काफी हद तक ये परफेक्टली फिट हो जाता है अपने ईयर्स के अंदर। एंड अगर आप बात करते हो कि ये पहनने के बाद हम गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते गाइस, तो हाँ, उसके लिए भी हम यहाँ पे हेलमेट भी लेके आए आप सभी के लिए, आप चला तो सकते हो क्योंकि ये परफेक्टली फिट हो जाता है ईयर्स के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये परफेक्टली फिट हो गया एंड यहाँ से भी ये फिट हो गया। लेकिन एज यूजल हमें एक कान ओपन रखना होता है ताकि हमें बाजू वाले भी आवाज सुनाई दे, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे सब टेस्ट करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे हेलमेट भी लेकर के बैठे हैं गाइस। तो ये देखिए मैंने पहन लिया है ऑलरेडी एंड अब मैं यहाँ पे हेलमेट पहनता हूँ, तो काफी ज्यादा हद तक मुझे बेहतरीन, तो काफी हद तक मुझे बेहतरीन लग रहा है गाइस। मेरा आवाज शायद से अभी थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि मैं हेलमेट के अंदर से बात कर रहा हूँ। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। एंड गाइस, जैसा भी आपने देखा कि निकालते वक्त ये नीचे गिर गया मेरे साथ ही साथ, तो आपको एक मैं और सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप इसे पहनोगे गाइस, तब वो जो होता है ना हैंडकरचीफ, तो हैंडकरचीफ भी आप ऊपर से पहन लो ताकि निकालते वक्त गिर ना जाए, ठीक है। तो अभी मैं एक बार आपको दोनों ये ट्राई करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों साइड से मैं क्या करता हूँ, पहले तो पहन लेता हूँ एंड अब हम इसे पहनते हैं हेलमेट को। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हेलमेट हो चुका है बंद, ऐसे गाड़ी पे बैठोगे आप, ऐसे गाड़ी पे बैठोगे। तो अभी मैं इसे निकालता हूँ। अभी निकालते वक्त कैसे निकालना है, आपकी ये जो पोर्शन है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर खींचना है, बाहर की ओर, ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा। तो गाइस अभी देखो, ये अभी यहाँ का यहीं पे है, लेकिन यहाँ इस साइड वाला जो है वो गिर गया। तो बेसिकली ये क्या है ना गाइस, आप जैसे इसे प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आपको भी ये आने लगेगा। तो मतलब ये थोड़ा सा इसे खींचना पड़ता है, मतलब ऐसा होता है ना, तो इसे थोड़ा सा आपको इस साइड पे खींचना है, इस साइड पे, एंड इस वाले को इस साइड पे, एंड तब आपको इसे निकालना है। तो वैसे करके आप नीचे निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है आप इसे हेलमेट के अंदर भी पहन सकते हो। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसकी साउंड क्वालिटी, बेस की क्वालिटी कैसे देखने मिलेगी। तो यार एक बात बता दूं, इसकी जो साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी वो काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को यार एक और क्वेश्चन आता था कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये देखिए ये जो है कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसे साइड साइड पे यहाँ पे लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा ऊपर में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। एंड ये देखिए ये इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं गाइस, ठीक है ना। तो ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं बेसिकली इन दोनों के अंदर मैग्नेट्स है। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था कि ये जो मैग्नेट्स है, तो ये मैग्नेट जब ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तब के इसका म्यूजिक जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जब कनेक्ट होते हैं तो इसका म्यूजिक बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता, म्यूजिक कंटिन्यूसली ऑन रहता है। ना तो आपका इसके अंदर का जो सॉन्ग वगैरह आप सुन रहे हो वो सॉन्ग भी पॉज नहीं होता, प्ले पॉज बिल्कुल नहीं होता। ये बस एक मतलब कहीं पे घूमना जाए इसलिए यहाँ पे ऐसे ये ऐसा होता है, मतलब ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। इससे कंट्रोलिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई चीज कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल कहाँ से होती है, तो यहाँ से होती है, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन से सब कंट्रोल होता है, ठीक है।
तो ये मेरा कैमरा भी धीरे धीरे फोकस कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये बचने के लिए आपको कंट्रोलिंग बटन दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई कंट्रोलिंग बटन यहाँ पे नहीं है गाइस। एंड साथ ही साथ ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये बेसिकली हमें मिल जाती है पेट्रॉन की तरफ से, ये पेट्रॉन की बैटरी जो कि इसके अंदर इनबिल्ट है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया सा चीज मुझे लगता है, मतलब एक बैटरी के लिए अलग से दिया गया है एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स भी अलग से दिए गए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं आपको बैकअप टाइम इसमें कितना देखने मिल जाता है गाइस। तो यहाँ पे जो ऑन बोर्ड यहाँ पे बताया गया है वो लगभग 6 घंटे का बताया गया है इसके डिब्बे के ऊपर। एंड साथ ही साथ 110 mAh की इसमें अंदर बैटरी आपको देखने मिल जाती है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है जैसे मैंने आपको बता दिया। तो लगभग आपको उतना देखने मिल जाएगा। मैंने इसे एग्जैक्टली पूरा नहीं टेस्ट किया, पूरा 100% है, लेकिन हाँ अगर आपको चाहिए तो आप इसे आराम से परचेस कर सकते हो। इसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको ये कम से कम उतना तो चलना ही चाहिए, मतलब 5 घंटे के अराउंड तो आपको चल जाएगा, 5 से 6 घंटे के अराउंड, ठीक है ना। एकदम पूरा मैंने डीपली इसे टेस्ट नहीं किया, लेकिन हम डीपली टेस्ट करके आपके लिए एक और वीडियो यहाँ पे जरूर से लेके आने वाले गाइस। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर की साउंड क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया मिलती है, काफी ज्यादा तगड़ी मिलती है आपको। मतलब आप ऐसे सुनोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होने वाला कि आपने इतना पैसा खर्चा किया एंड ये लेकर के आप फंस गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, बेसिक क्वालिटी एकदम बढ़िया है, आराम से आप इसे ले सकते हो, कोई बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से अगर आप परचेस कर दोगे तो आपको वहां पे जो लेटेस्ट ऑफर चल रही है ना वो भी आपको वहां पे पता चल जाएगा, जो लेटेस्ट ऑफर आपको चल रही है वहां पे। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लिंक जो होगा वो इसी का होगा, जरूर से जाकर के एक बार चेक कर लेना गाइज, ठीक है। एंड माइक के वक्त भी ये चल जाता है, मतलब साउंड आप कॉलिंग कर सकते हो इससे। मेन लोगों का तो वही होता है, कॉलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, आराम से कॉलिंग हो सकती है। एंड ये वायरस भी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो मेरे को पर्सनली तो काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो गाइस। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी गाइस फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम जो हैंडल है मेरा वो @bhushandroid है, तो वहां पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे जाकर के भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।